सभी को प्रणाम दोस्तों। प्रणाम सभी को। आज के Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? जी देखिए, आज का जो प्रश्न है बहुत ही गहरा है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही साइकोलॉजिकल है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रश्न अक्सर कई बार पूछा जाता है कि जी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों में से किसको चूज़ करें। तो आपको जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आने वाले सेशन में हम उसका जवाब देंगे। साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से हम अच्छे से उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई इंसान बोलता है कि लव मैरिज अच्छा है, मैंने कई उनसे बात की है ना, तो जो लव मैरिज बोल रहा है उसको लगता है हाँ मैं तो मॉडर्न हूँ ना, मैं तो लव मैरिज को ही प्रमोट करूँगा, मैं तो लव मैरिज का ही पक्ष लूँगा, बड़ा ही ऐसा सोच के बोलता है। फिर कुछ लोगों ने कहा जो अरेंज मैरिज, बोल रहा है उसको लगता है नहीं हम तो बड़ी सांस्कृतिक लोग हैं ना, हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम कैसे ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अरेंज मैरिज को बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पर बिल्कुल समझने वाली बात है, अगर मैं जवाब दूँगा ना एक वाक्य में सबसे पहले, फिर उसको मैं बताऊँगा कि ना तो लव मैरिज अच्छा है ना अरेंज मैरिज। इसका अर्थ क्या दोस्तों? इसका अर्थ है कि दोस्तों वह मैरिज है ना जिसमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें सामने वाले के साथ एक गहरी समझ हमारी हो सके, भाई अच्छा है। दोस्तों जहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अक्सर होता क्या है जो आज की तथा कथित लव मैरिज है ना, आज के जो निब्बा निब्बी है ना, फिल्मों से प्रेरित होकर मूवीज़ देख के एकदम से ऐसे उत्साह में आके ऐसे कदम उठाते हैं, फिर कोर्ट मैरिज बढ़ती हैं, ऐसी चीज़ें दोस्तों, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो भी जिसको आज हम लव कह रहे हैं ना, वो लव मैरिज असल में है ही नहीं। दोस्तों लव किसकी तरफ, कोई फिजिकल अट्रैक्शन, कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर कोई अच्छा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अगर ये कर रहे हैं ना दोस्तों, वो लव मैरिज है नहीं, है ना। आप लव मैरिज की बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले प्रेम, प्रेम विवाह है ना, प्रेम को समझो। प्रेम ऐसा नहीं है कि आपने कबीर सिंह मूवी देख ली या फिर तेरे नाम मूवी देख ली है ना तो प्रेम को समझ लिए। प्रेम को समझने के लिए सबसे पहले मन को समझना जरूरी है ना, खुद को समझना जरूरी है, तभी आप प्रेम को समझ पाओगे, तभी आप प्रेम कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी की फिजिकल अट्रैक्शन को देख उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे और चलो जी हमको प्यार हो गया, हम लव मैरिज करेंगे या फिर कोर्ट मैरिज करेंगे, है ना। तो ये नहीं है दोस्तों। जब भी शादी, आपकी शादी की उम्र हो, जब भी किसी ग्रस्त जीवन में कदम बढ़ाना हो, सबसे पहले खुद को समझ लेना जरूरी है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, किसी को भी हम प्रेम का नाम दे देते हैं और कहते हैं जी लव मैरिज हुई है ना। दोस्तों लव मैरिज के पहले सबसे पहले लव को समझना जरूरी है। आप तीन चीज़ आपको बताता हूँ मैं ना, जिसको हम कहते हैं लव मैरिज। होता क्या दोस्तों, तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला होता है शरीर के आधार पर जो हम प्रेम कहते हैं, यानी कि कोई फिजिकल रूप से हमको अच्छा लगा, हमको बोला जी, हमने कहा जी हमको प्रेम हो गया ना, अब हम लव मैरिज करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन दोस्तों होती है ना, उसको प्रेम बोल देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ज़रूरत है, जो शरीर है वो परिवर्तनशील है। जाने कि दोस्तों अगर हमको कोई इंसान अच्छा लग रहा है और हमने उसको देख के उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो दोस्तों कि कब तक शरीर वैसा का वैसा रहेगा? शरीर तो परिवर्तनशील है ना। शरीर कल को अगर कोई अच्छा लग रहा है, कल को मोटा भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, उसको कोई बीमारी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, जाने वो चीज़ बदल सकती है। इसका अर्थ है दोस्तों फिर वो रिश्ता भी बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों एक चीज़ देखी गई है, जो सर्वे होते हैं उनमें एक चीज़ पाई गई है, बहुत सारी लव मैरिज असफल हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी लव मैरिज शरीर के आधार पर होती है, शरीर की तरफ अट्रैक्ट होके होती है, जिसको खुद की नॉलेज है नहीं, खुद को समझा नहीं, अंदर कुछ आंतरिक मुकाम हासिल किया नहीं है ना, फिर उसको लगता है कि मेरे को प्रेम हो गया है। अब दोस्तों जब रिश्ता ही शरीर पर आधारित था, फिजिकल अट्रैक्शन थी, तो शरीर तो कल को बदल जाएगा, तो रिश्ता भी डामाडोल हो जाता है। दूसरा है मानसिक। अब हम कह सकते हैं अरे भाई मेरे को तो उसके विचार पसंद है, हम कहेंगे अरे वाह कितना महान पुरुष है ना, देखो ये चरित्र से प्यार कर रहा है या फिर ये विचारों से प्रेम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये भी तो समझने वाली चीज़ है ना कि विचार भी तो परिवर्तनशील होते हैं। कितना समय लगता है हमें किसी चीज़ के प्रति दृष्टिकोण बदलने में? 2 मिनट में लगता कि भाई हमारे विचार 1 मिनट में किसी को लेकर बदल जाते हैं। हम किसको अच्छा मान रहे थे उसके बारे में हमने ऐसा कुछ सुना, हम अब उसको बुरा बोल रहे हैं, तो विचार बदलने में कितना समय लगता है? तो अगर आपका रिश्ता विचार के ऊपर है ना, मानसिक है, तो मन बदलने भी समय नहीं लगता, तो कल विचार बदलेंगे तो रिश्ता भी फिर डामाडोल हो जाएगा। तीसरा दोस्तों डीप बॉन्डिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम अध्यात्म में बोल सकते हैं कि आत्मिक भाव, जा कह सकते हैं कि आत्मिक कनेक्शन। अब यहाँ पर दोस्तों आत्मिक, यानी कि यहाँ में आत्मा शब्द आ रहा है, आत्मा की बात वही कर सकता है जिसने आत्मा को समझा है, जिसने खुद को जाना है, जिसने खुद के साथ बैठकर खुद को समझने की कोशिश की है, जिसने कुछ आंतरिक मुकाम हासिल किया है।
उससे पहले जो भी होगा ना वो सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन होगी, उसको लेकर अगर आप कुछ कदम बढ़ा रहे हो तो सीधी सी बात है वो रिश्ता असफल हो ही जाएगा, या फिर उसमें उतना कल को गहरा प्रेम नहीं रहने वाला। तो जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले कुछ आंतरिक मुकाम हासिल कर लो, पहले खुद को समझ लो, पहले ध्यान साधना मेडिटेशन में जाकर थोड़ा अंदर की दुनिया को समझो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि जो ध्यान में नहीं बैठता ना वो प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये कह सकता हूँ कि जिसको गहरी समझ नहीं है, जिसको ज़िंदगी की समझ नहीं है, जिसने खुद को समझा नहीं, जिसने खुद को समझने में समय दिया नहीं है, फिर वो दोस्तों प्रेम करेगा या फिर प्रेम के नाम पर जो भी करेगा ना वो गलती करेगा, कल को रिश्ता असफल होगा ही। दोस्तों यहाँ पे ना तो हम लव मैरिज को सही कह सकते हैं ना ही अरेंज मैरिज को सही कह सकते हैं। सबसे पहले खुद पे काम करें, खुद को समझें, कुछ आंतरिक मुकाम हासिल करें, उसके बाद आप जो भी कदम उठाएंगे आप सही ही करेंगे। तो इन चीज़ों को समझें, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी। टॉपिक से रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में शुरुआत करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को प्रणाम।